में आप लोग का स्वागत है और आज इस वीडियो में मैं आप लोग को Xiaomi के पोको लॉन्चर के बारे में बताने वाला हूं और आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको यहां पे बता दूंगा। यहां पे इसका जो वो बीटा वर्जन फिलहाल के लिए अवेलेबल हो चुका है एपीके मिरर पे, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोग को लिंक दे दिया हूं। Xiaomi का जो पोको लॉन्चर है मुझे थोड़ा सा इनिशियली काफी अच्छा लगा है तो मेरे दिल में आया, मैं सोचा आप लोग उसके बारे में बता दूं। काफी क्लीन और एकदम सही इंटरफेस आपको यहां पे जो वो देखने को मिलता है। तो ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, मैं आप लोग को Xiaomi के पोको लॉन्चर के बारे में यहां पे सारी जानकारी जो वो दे देता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं और आपको एक और चीज बता रहे थे कि गूगल प्ले स्टोर में अगर आप जाके पोको लॉन्चर सर्च करते हैं तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे पोको लॉन्चर मिल जाता है और उसके बाजू में देखेंगे अनरिलीज्ड लिखा हुआ है, मतलब अभी तक ये ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है। इसके अंदर आपको काफी सारे बग्स मिल सकते हैं, ये बीटा वर्जन है तो आप यहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप यहां से नहीं मिलता है तो मैंने एपीके मिरर की आपको वेबसाइट की लिंक दिया हूं, वहां पे भी जाके इसको जो वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको अपना डिफॉल्ट लॉन्चर जो वो सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये अच्छे से काम करेगा। और एक और चीज बता रहे तो मेरे पास ये जो डिवाइस है ये Xiaomi का Mi Note 3 है तो मुझे नहीं पता कि नॉन Xiaomi डिवाइसेस में कितना अच्छा चलेगा, लेकिन हाँ मेरे पास इसमें फिलहाल के लिए काफी अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पे शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपसे कमिट करता हूं, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कहा था कि काफी फास्ट और क्विक इंटरफेस मिलता है, वाकई में आप देखेंगे इसका इंटरफेस बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अगर आप देखेंगे नीचे से ऐप ड्रॉअर कितना जल्दी जो वो फास्ट ऊपर की तरफ आ जाता है। मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड स्टॉक एंड्रॉइड भी यूज किया हूं लेकिन उतना मुझे वो भी फास्ट नहीं देखने को मिला था जितना आप देखेंगे ये आपको फास्ट देखने को मिलता है। बहुत ही फास्ट है तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी शुरुआत करते हैं होम स्क्रीन से, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको कुछ पहले से ही इस तरीके का होम स्क्रीन मिलता है डिफॉल्ट, और यहाँ पे लेफ्ट और राइट में कोई एडिशनल पेजेस आपको नहीं मिलते हैं। आपको यहाँ पे अगर इसके लिए कुछ कस्टमाइज करना है तो आपको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ता है नॉर्मली जैसे आप करते हैं। इसमें आपको वॉलपेपर, विजेट्स और सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं आप देखेंगे आपको ट्रांजिशन इफेक्ट्स जो आप स्क्रॉल करते हैं वो आपको सेट डिफॉल्ट स्क्रीन, फुल फिल एम्प्टी सेल, लॉक होम स्क्रीन लेआउट और हाइड ऐप आइकन्स। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो एप्लीकेशन को भी हाइड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और मोर में जाएंगे तो आपको और एडिशनल सेटिंग्स मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे कॉलिंग का, मैसेजिंग का, ब्राउजिंग, गूगल प्ले म्यूजिक और कैमरा, ये सब आपको सेट मिलता है। आप चाहे तो दूसरे एप्लीकेशन भी आपको ऐड करना है तो आपको यहाँ पे जाना है, इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करना है और इसको यहाँ पे लाके आप अपने एप्लीकेशन को ऐड भी कर सकते हैं। एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आप देखेंगे मैं ये रिसेंट मेन्यू प्रेस करता हूं तो आपको सामने जो लास्ट एप्लीकेशन आप यूज करते हैं तो सारे के सारे यहाँ पे दिखा रहते हैं, फिर आपको ये दबाना पड़ता है जब जाके वो बंद होता है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज आप देखेंगे राइट में नीचे की तरफ आपको क्लीनर मिलता है, सिर्फ इसको एक बार टैप करता हूं मैं यहाँ पे, ये क्या करेगा जो बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन आप देखेंगे रिसेंट में से वो सारे के सारे क्लीन कर देता है, आपको बार बार अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मुझे बहुत ही कूल लगा है। अब यहाँ पे आते हैं हम हमारे ऐप ड्रॉअर में जो मेन खेल है इसका, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लाइट को डिम कर दिया हूं। इसके अंदर अब आपको मैं असली मजा दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये कुछ क्विक इंटरफेस मिलता है, सबसे पहले तो ऑल लिखा हुआ, मतलब आपके सारे एप्लीकेशन जो है वो इस तरीके का आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। और अगर आप राइट में स्वाइप करते हैं इस तरीके से तो आप देखेंगे लाइफ स्टाइल, नॉलेज, एजुकेशन, फाइनेंस वगैरह के सारे उन्होंने जो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे मिल गए। गेम्स में देखेंगे बराबर गेम्स है तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे अच्छा फील होता है जब आप कैटेगरी वाइज सारे एप्लीकेशंस देखते हैं। और नीचे देखेंगे सर्च मिलता है, आप चाहे तो जाके सर्च कर सकते हैं जो एप्लीकेशन आपको चाहिए रहेगा। एक और चीज अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाता हूं तो अब आपको थोड़ा और मजा आएगा। तो यहाँ पे आइकन पैक के अंदर क्या करना है, आपको यहाँ पे आइकन पैक में जाना है और जो भी ऐप आइकन से वो आप उसको जो वो चेंज कर सकते हैं। सिस्टम अगर आप देखेंगे आपको पहले से मिलता है इस तरीके का, ये दोनों मैंने डाउनलोड किया था। आप बहुत सारे ऐप आइकन को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सिर्फ ऐड मोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाना है और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे के सारे जो भी आपके सामने दिख रही है सारे के सारे आपको जो वो ऐप आइकन मिलते हैं आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्री भी है, पेड भी है, आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो किया था तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने यहाँ पे देखेंगे एक डेल्टा किया हूं और एक दूसरा जो वो वायरल, तो मैं डेल्टा पे अगर टैप करता हूं इस तरीके से अप्लाई करता हूं तो ये देखेंगे एप्लीकेशन के आइकन को उसने चेंज कर दिया, होम स्क्रीन वगैरह सब कुछ जो वो चेंज हो जाता है। तो ये मुझे थोड़ा सा कूल लगा है, बहुत ही अच्छा है, यहीं से आप सब कुछ जो आके कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐप सजेशन का ऑप्शन मिलता है, ग्रुप एप्स ऑटोमेटिकली, मैनेज ऐप ग्रुप्स, ग्रुप आइकन बाय कलर, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं इसको ऑन करता हूं बैक जाता हूं तो नीचे देखेंगे आप कुछ और एडिशनल ऑप्शन मुझे मिल जाते हैं। आप देखेंगे अगर मैं रेड करता तो सारे जो एप्लीकेशन ऑरेंज करता हूं तो सारे एप्लीकेशन जो वो ऑरेंज कलर में एक साथ ग्रुप हो जाते हैं, रेड वाले रेड में हो जाएगी, ग्रीन वाले ग्रीन में, इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज कर सकते हैं। अगर मल्टी कलर करते हैं तो फिर वही नॉर्मल स्क्रीन आपको जैसी चाहिए आप वो भी आके यहां पे कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे कूल लगा है। उसके बाद स्क्रॉल बार ए टू जेड आप देखेंगे लेफ्ट और राइट में जो ए टू जेड वाले आते हैं ना इस तरीके से, अगर आपको ये ऑन करना है तो आप इसको भी आके यहां पे कर सकते हैं। उसके बाद फिल एम्प्टी सेल्स, लॉक होम स्क्रीन लेआउट वगैरह आपको मिल जाता है। फाइनली यहां पे जाते हैं तो आपको एक और कूल चीज बता देता हूं कि अगर आपको एप्लीकेशन को हाइड करना है तो वो आप यहां पे कैसे कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा था कि वो कैसे होता है। पहले आपको उस ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा जैसे कि मैं आपको होम स्क्रीन पे बताया था। उसके बाद आपको यहां पे ऐप ड्रॉअर में आना है और आपको
यहाँ से जो दो बार जो स्वाइप करना है इस तरीके से आप देखेंगे, फिर आपको अपना पासवर्ड लगाना है जो पहले आपने लगाया था, और यहाँ पे आप देखेंगे सारे आपके जो एप्लीकेशन आपने हाइड किए थे वो दिखा देगा। आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ टैप करना है जो जो एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे हाइड करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से टैप करना है। आप देखेंगे सारे के सारे एप्लीकेशन यहाँ पे आ गए और सारे एप्लीकेशन यहाँ से जो वो निकल जाएंगे। अच्छी बात ये है कि अगर आप उसको सर्च भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे मैंने ब्यूटी लिखूंगा BEA, तो ब्यूटी वाला एप्लीकेशन नहीं दिखाएगा जबकि वो वहाँ पे ऑलरेडी है। ये मुझे काफी सही लगा, सर्च करने पर एप्लीकेशन आपको यहाँ पे नहीं दिखता है। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन को यहाँ पे आके हाइड भी कर सकते हैं। दोस्तों ये है पोको लॉन्चर, मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का है, मुझे काफी सही लगा है, तो मैंने सोचा था कि फेयर ओपिनियन आपको दे दूं। मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है इसको यूज करके, काफी फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है। फिलहाल के लिए बीटा वर्जन है, इसमें बग्स है, लेकिन आने वाले समय में आपके जो भी बग्स वगैरह रहेंगे वो भी सॉल्व होंगे और बहुत सारे नए फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप शाओमी के फोन यूज करते हैं तो MIUI को छोड़ के एक बार इसको एक मौका दीजिए। अगर आप नॉन शाओमी फोन यूज करते हैं तो मैंने अभी तक उसमें ट्राई नहीं किया हूं, आप इसको ट्राई करके देख लीजिए। अगर ये चलता है तो बहुत ही ज्यादा आपका फास्ट एक्सपीरियंस यहां पे जो होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं फ्यूचर में आप लोगों के लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।